इसमें छुहारा डालें आपने, ये नारियल की गरी है, इसको छोटे छोटे टुकड़े करके डाल रहे हैं। और काजू डालें, तकरीबन 100 ग्राम काजू है, क्योंकि ये थोड़ी क्वांटिटी में हम लोग ग्राइंड कर रहे हैं कि ज़्यादा अच्छा से ग्राइंड हो, दो तीन पार्ट में ग्राइंड करना है। अब इसके ऊपर कैप रख दिए, ढक्कन रख दिए। का है थोड़ा, इसका सैंपल दिखाइएगा, ये पूरा क्रस्ट हो चुका है। अभी एक बार और ग्राइंड करना पड़ेगा, ये क्रस्ट हो, इसमें जो प्रिपेयर बनाए हैं जो ये क्रस्ड पाउडर, इसको अब इसमें डाल रहे हैं। इनके बाद अब हम लोग इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे एक प्लेट में रख करके, और उसके बाद एक एक पार्ट्स को अच्छी तरह मिक्स करना है, और उसके बाद फिर हम एक डब्बे में पैक करेंगे। इसमें जो भी हार्ड पार्टिकल्स है, जो भी ग्राइंड नहीं हुआ है, उसको साइड कर देंगे और एक अच्छी तरह मिला देंगे, इसको मिक्स करेंगे। अब इसको फिल कर रहे हैं डब्बा में, ग्राइंड होने के बाद गड़बड़ बोलना कर रहे हैं। ये इसको क्या क्या चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं ये क्रश पाउडर को? ये हो चुका है, ये क्रश पाउडर रेडी हो चुका है। इसको हम लोग दूध सेवई, खीर खुरमा, बिरयानी के ऊपर भी इसको सर्व कर सकते हैं, और खीर में भी डाल सकते हैं इसको। सो नाउ इट्स रेडी, आई विल ओपन इट, सी नाउ इट्स प्रिपेयर्ड, सो वी कैन, इट्स रेडी टू यूज़ नाउ। ये रेडी टू यूज़ है, आप इसको फुल 1 वीक जब भी आपको ज़रूरत हो आप निकाल करके, आप दूध में भी मिक्स करके इसको यूज़ कर सकते हैं, एक एनर्जेटिक ड्रिंक की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इम्यून सिस्टम को भी बूस्टअप करेगा। सो लेट्स एंड दिस सेशन नाउ, आई होप यू फाइंड दिस इंफॉर्मेटिव, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, वी आर वेरी न्यू टू दिस चैनल। थैंक यू, सी यू, हैप्पी ईद।